दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स के फैन हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कैन को और दबाई उस बेल आइकन को ताकि आपको स्पोर्ट्स की रिलेटेड न्यूज मिले सबसे पहले। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले T20 सीरीज के फुल शेड्यूल के बारे में और हम आपको बताएंगे भारतीय टीम के प्लेइंग 11 के बारे में जो कि इस T20 सीरीज में खेलेगी। तो जानने के लिए प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भारतीय टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी हर न्यूज मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज 3 मैच की सीरीज होने वाली जिसमें भारत और वेस्टइंडीज की टीम आपस में भिड़ेंगी। दोस्तों इस सीरीज का पहला मुकाबला 4 नवंबर को खेला जाएगा जो कि ईडन गार्डन्स में होगा। दोस्तों इस मुकाबले की टाइमिंग की बात की तो ये मुकाबला 7 बजे से देखा जाएगा Star Sports 3 नेटवर्क में, जबकि आप ये सारे मुकाबले हॉटस्टार पर भी देख सकते हैं। और वहीं बात करें दूसरे मुकाबले के बारे में तो दूसरा मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा 6 नवंबर को, जबकि तीसरा मुकाबला और अंतिम मुकाबला चेन्नई में 11 नवंबर को खेला जाएगा। दोस्तों T20 सीरीज के टाइमिंग की बात की तो आपको ये देखने को मिलेगा ठीक 7 बजे से, वो भी Star Sports 3 नेटवर्क में हिंदी में, जबकि Star Sports 1 इंग्लिश कमेंट्री में। जबकि बात करें मोबाइल ऐप की तो सारे मुकाबले आपको हॉटस्टार ऐप पे देखने को मिलेंगे, जबकि JioTV पे ये सारे मुकाबले आएंगे। दोस्तों भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात की तो प्लेइंग 11 इस प्रकार होगा जो कि T20 सीरीज में खेलेगा। रोहित शर्मा, शिखर धवन ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पर KL राहुल की एंट्री होगी। चौथे नंबर पर मनीष पांडे। पाँचवें नंबर पर सुरेश अय्यर। छठे नंबर पर ऋषभ पंत। सातवें नंबर पर कुणाल पांड्या। आठवें नंबर पर भुवनेश्वर कुमार। नौवें नंबर पर जसप्रीत बुमराह। दसवें नंबर पर कुलदीप यादव। ग्यारह नंबर पर खलील अहमद। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है भारतीय टीम T20 सीरीज जीत पाएगी कि नहीं। और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल स्पोर्ट्स के ताकि आपको स्पोर्ट्स से जुड़ी हर खबर मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।